बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने बाइक का टायर पंचर हो गया है वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर दूर जाते हैं, जैसे हम फतेह जंग गए, टेक्सला गए, तो रास्ते में बियाबान को ना कोई शॉप्स ना कोई दुकानें आती हैं, तो हमें ये औज़ार हम रख लेते हैं, इसलिए कि ऐसी जगहों पे हम किसी से, वहाँ तो बियाबान होता है, कोई काम नहीं करवा सकते। चलें देखते हैं कैसे उसका काम करते हैं। हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये ट्यूब को रगड़ने के लिए रेगमाल की तरह का है, एडजस्टेबल, और ये टायर खोलने के लिए, और ये जो है ये वाल्व खोलने के लिए ट्यूब का, और ये इसका पंचर लगाने के लिए। ये हमने 70 रुपये के कुछ पैकेट लिया था, तो साथ में इसके रबर सॉल्यूशन है। चलें आप शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये नट इसका खोल लेंगे, वैसे तो टायर इधर से ही हो जाता है, मगर हमने आज ब्रेक भी इसकी चेक करनी है कि ब्रेक कैसी है, अगर चेंज होने वाली तो हम चेंज करेंगे। और इसके अंदर काफ़ी डोर और ऐसी चीज़ें चली गई थी, तो वो आज मैंने कहा खोल रहे हैं तो वो निकाल लें। ये दूसरी साइड पे आके ये जो ब्रेक का नीचे ये ब्रेक को अपनी ग्रिप में रखता है, ये वाला नट खोलेंगे। ये नट सब एक जगह हम संभाल के रख देंगे। ये ऐसे ब्रेक पेचकस की मदद से ये ब्रेक के यहाँ डालेंगे और इसे प्रेस करेंगे, और ये आगे चले जाएगा, हम पीछे से इसका नट खोल देंगे। ये इसे हम हिट करेंगे, मगर क्योंकि ये चूड़ी ख़राब हो जाएगी, इसलिए हमने ज़र सा इसको नट को वापस लगाएंगे ज़र देर, फिर इससे मारेंगे। ये हमारा बाहर आ गया रॉड, ये पुली निकालेंगे और टायर को उतार लेंगे। ये टायर हमारा बाहर आ गया है, ये टायर को बाहर निकाल लेंगे। ये ब्रेक शू लगा हुआ है, अभी तक हमारा ब्रेक शू तो ठीक है, चलेगा ये आगे। वैसे उतार के मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने ये कैसे फिक्स किया है। ये ऐसे फिक्स करना आपको बता देता हूँ। एक स्प्रिंग इधर लगता है और एक इधर, और एक स्प्रिंग ये लगा हुआ है और एक ये ऐसे ग्रिप में आ जाता है। जैसे अभी ये उतरा है, एक स्प्रिंग हमारा
इसे आपको लगाना दिखाता हूँ। ये स्प्रिंग लगाया, ये स्प्रिंग डाल दिया हमने, अब ये फिर ऐसे हो गया है। ये हमने आपको बताने के लिए उतारे थे, ये देखें, ये ज़रा सा यहाँ रख के ऐसे रखना है हमने, और ज़रा सा ऐसे पुल करना है, और ये ज़रा सा इसको देना है, और ये बैठ जाएगा, ये इसमें बैठ गया है, ये ओके हो गया है। ये आपको बताने के लिए हमने ओपन किया था। ब्रेक शू हमारे ठीक हैं, अभी ये देख लें, लेदर इनका नज़र आ रहा होगा आपको, अभी ये चलेगा। तो सबसे पहले हम ये खोल लेंगे और इसकी हवा निकाल लेंगे। ये इसका नोज़ल को खोलने के लिए, ये नोज़ल हमने बाहर निकाल लिया इसकी, ये इसलिए करते हैं कि हवा जो बिल्कुल भी ट्यूब के अंदर ना हो। और इसे प्रेस कर लेंगे ज़रा, ये देखें हवा की आ रही होगी आपको आवाज़। ऐसे हम एक को फंसा लिया, ये हो गया। ये देख रहे हैं, ऐसे हाथ की मदद से ही हम निकाल लेंगे। हम इतने प्रोफेशनल तो नहीं है, अगर सारी जगह ये करेंगे ना कहीं डैमेज ना हो जाए ट्यूब, बस दो से हम करेंगे। ये हो गया, इसका वॉल ओपन करेंगे, ये नट सा ये हमने ओपन कर लिया नट। ये नट खुल गया, ये ट्यूब हम बाहर निकाल लेंगे। ट्यूब निकाल ली, अब दोबारा ये जो हमने ये इसकी नोज़ल फिर लगा दी, और इसे दोबारा इससे टाइट कर दिया। हवा भर लेंगे। ऐसा पंप आपको 300-400 का मिल जाएगा। एक पंचर तो पता चल गया है,
इसका दोबारा ये ओपन कर लेंगे। यहाँ हमने कील डाल दी थी जो पंचर एक था, अब इसे हम अच्छी तरह ज़रा साफ कर लेते हैं कपड़े से कि पानी से साफ हो जाए। इसे रगड़ लेते हैं। ये हमारा हो गया। हम ये ओपन कर लेते हैं इसको। ये रबर सॉल्यूशन इस पे लगाएंगे। ये भी लगाएंगे। बाज़ार में वो इस अच्छी तरह लगा के नहीं देते। ये सॉल्यूशन सही लगी हो तो पंचर लीक नहीं होता। हमने जब भी घर पे लगाया है पंचर नहीं लीक हुआ। बाज़ार से लगवाते थे वो पंचर गर्मियों में आके लीक हो जाते हैं। ये अब हम इस पे लगा देंगे। ये लकड़ी पे रखेंगे और इसकी मदद से इसे हल्का हल्का बाजार से जो मैं पंचर लगवाता हूँ ये वाला पंचर नहीं लगवाता। बाज़ार से मैं अपनी गाड़ी का भी पंचर जिससे लगवाता था ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो पंचर। बाज़ार से मैं ये वाला पंचर लगवाता हूँ। ये इलेक्ट्रिक के उसमें ये रबड़ को गर्म करके रखते हैं तो ये वाला पंचर लगता है। ये पंचर सेम ट्यूब की तरह, अब ये देख लें आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये मशीन में इलेक्ट्रिक पंचर लगाते हैं। ये स्टिकर पंचर है और ये इलेक्ट्रिक। मैं बाज़ार से ये वाला लगवाता हूँ, ये दोबारा लीक नहीं होता, सेम इसी तरह हो जाता है ट्यूब की तरह। देख सकते हैं आप, गाड़ी में भी यही पंचर लगाते हैं। जब गाड़ी के टायर को उतार के वो अंदर की तरफ से पंचर लगाते हैं फिर वो इलेक्ट्रिक के उस में रखते हैं, ऐसे ही पंचर ट्यूब पे मैं लगवाता हूँ। इसके बीच में से देख लेंगे कोई कील या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगी। अब इसे फिक्स करेंगे। अच्छा लगा देंगे टायर चढ़ाना शुरू कर देंगे। जरा जरा इसको हल्का हल्का इसे प्रेस करना है।
चले डाल के आइए सब। अब इसको दोबारा ये इसकी नोजल लगा देंगे। हवा भर देंगे इसमें। डायरेक्शन लगा रहे वापस और टायर को फिक्स करते हैं। ये हम लगाएंगे इसके बीच में। ये रॉड डाल देंगे इसमें। ये नट ये इसके एक वाशल रखेंगे इसमें और ये वाला इससे टाइट कर देंगे। ये और ये ब्रेक भी हमने फिक्स कर दी। ब्रेक को टाइट करने के लिए हम पेचकस लेंगे। ऐसा पेचकस इस जगह इसके फंसाएंगे। ये देखें ये आगे पीछे करने के लिए ये आगे जा रहा है जितना हम उतना ये इसकी टाइट करते जाएंगे। ब्रेक हमारी और ज़रा होगी। चलिए हो गया। इसका नट लगा देंगे। और इसे टाइट कर देंगे। चलें हमारी वीडियो यहीं तक थी। आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।